अरे फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? मुमताज के संग हंसते हैं तो घर बसते हैं। आज मैं आपको ड्राई फ्रूट केक बनाकर बताऊंगी, बहुत ही सिंपल वे में बताऊंगी, चूल्हे के ऊपर बताऊंगी। सिर्फ 25 मिनट में बन जाएगी हमारी केक। तो केक बैटर बनाने से पहले हम प्री हीट कर लेंगे हमारा कुकर। इसमें डालेंगे हम हमारा सॉल्ट। ये देखिए, ये डाल डाल के हूँ इसीलिए ऐसे कलर लग रहा है। अभी इसको हम फैला लेंगे ऐसे, इधर दिखा ऐसे। ये देखिए कलर कलर आ गया है, क्योंकि ये बार बार यूज करके हूँ मैं इसीलिए। अभी हम इसको ढक देंगे। देखिए नमक मैंने पूरा फैला के रखी हुई हूँ। अभी हम इसके अंदर हमारी इयररिंग रख देंगे। थोड़ा सा बीच से हटा दें सॉल्ट, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। अभी हीट करने के लिए रख दें, थोड़ा सा सिंपल रखें, ऐसा ढक दें। ये देखिए रबर नहीं डालें इसका, ये इसी के लिए रखी हुई हूँ, इसीलिए ये ओल्ड है, बार बार बनता है ये मेरे घर में इसीलिए। अभी हम बैटर शुरू करने से पहले हम एक काम करेंगे। ये देखिए टूटी फ्रूटी है मेरे पास, 4 स्पून लेके हूँ मैं। इसी में ये हमारा 200 ग्राम मैदा है। इस मैदे को थोड़ा सा, मैदे में से एक आधा स्पून ले लूंगी मैं, इसी में ऐसे करके रख दूंगी, क्योंकि ये डालने से केक के अंदर ये डूबेगा नहीं, थोड़ा थोड़ा ऊपर ही रहेगा, नहीं तो डूब कर नीचे बैठ जाएगा वजन के लिए। इसीलिए सिर्फ आधा स्पून डालें तो काफी है। अभी देखिए मैं क्या कर रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैदा 200 ग्राम लेके हूँ मैं, शक्कर लेके हूँ मैं, ये 200 ग्राम है, शक्कर का पाउडर है और दही है, और सूजी लेके हूँ मैं, ये 1/4 कप सूजी है, और ये ड्राई फ्रूट है, जितना चाहिए आपको इतना ड्राई फ्रूट ले लें। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, वही जो मैं डेली आपको जो बताती हूँ हर वीडियोस में वही है। ये देखिए ये 1/2 स्पून ले लें, ये बेकिंग सोडा है, थोड़ा कम लेना, उसका आधा लेना है। ड्राई फ्रूट जितना चाहिए इतना ले लें। मैं थोड़ा सा कलर ले रही हूँ, क्योंकि ये येल्लो कलर आती है ना, इसीलिए मुझको अच्छा लगता है। और एसेंस 2 डाल रही हूँ मैं। ये देखिए एसेंस 2 है, इसमें पाइनएप्पल एसेंस भी है, वेनिला एसेंस भी है, 2 भी डाल रही हूँ। इस केक में बड़ा टेस्ट आएगा ड्राई फ्रूट केक में। और ड्राई फ्रूट केक जो होती है वो ज़्यादातर येलो कलर होती है, तो मैं येलो कलर आज बनाना चाहती हूँ, चॉकलेट कलर नहीं बनाऊंगी आज मैं। एक ऑरेंज भी रखी हुई हूँ, ये देखिए एक ऑरेंज भी, इसका भी जूस डालेंगे हम। और ये है 200 ग्राम तेल, कौन सा भी अच्छा सा वेजिटेबल ऑयल जिसमें फ्लेवर ना हो ऐसा ले लें। और थोड़ा सा एक पिंच सॉल्ट लेके हूँ, अभी बनाऊंगी मैं। ये देखिए फर्स्ट स्टार्ट करेंगे हम इसको। ये देखिए ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ पूरा मिक्स करके, आपको जो चाहिए वो ले लें। मैंने ब्लैक रेजन्स लेके हूँ, और वाइट भी है, और ये देखिए थोड़ा सा कैशियो नट्स और बादाम लेके हूँ, आलमंड्स, जितना चाहिए आपको इतना ले लें। ये देखिए अभी मैं नारंगी काट कर, ऑरेंज इसको कट कर धोकर हूँ ऑलरेडी मैं इसके ऊपर। अभी क्या करूंगी मैं, इसका जूस डाल दूंगी इसमें। बीज निकाल रही हूँ, एक नारंगी का जूस पूरा डाल लें। आप चाहे तो बाहर वाला पॉकेट वाला ऑरेंज जूस डाल लें, लेकिन मैं बाहर का जो भी पैकेट मिलती है वो मैं यूज नहीं करती दोस्तों। बाहर के जो भी रेडीमेड चीज़ें होती हैं वो उसमें प्रिजर्वेटिव होता है, इसीलिए मैं यूज़ नहीं करती। बस ऐसे ही, ये देखिए ऐसे करके थोड़ा टाइम रख दें। ये कवर भी रख सकते हैं आपके पास वक्त होगा तो, लेकिन अभी टाइम नहीं है, मैं अभी आपको बताना है बैटर, इसीलिए मैं बस 10 मिनट में यूज़ कर लूँगी। ये देखिए दोस्तों, एक बाउल ले रही हूँ मैं, अब इसी के अंदर मैं डाल दूँगी हमारा दही। 200 ग्राम दही लेके हूँ तो 200 ग्राम मैदा लेके हूँ मैं। अभी इसके अंदर डाल दूंगी शुगर, 200 ग्राम शुगर है, क्योंकि इसके अंदर हम क्रीम नहीं डालते, इसीलिए हम इसको फेंटेंगे ऐसे ही। शक्कर थोड़ा ज़्यादा लेना है, और अभी डालेंगे हम थोड़ा सा ऑयल, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा डाल के अब हमें इसको मिक्स करेंगे। आप चाहे तो बलून विस्कर से मिक्स कर लें, लेकिन मैं हैंड मिक्सर से मिक्स कर रही हूँ अभी। थोड़ा सा ऐसा कर लें, क्योंकि उड़ जाएगा ये, इसीलिए। अभी थोड़ी शक्कर डालेंगे, फिर से थोड़ा ऑयल डाल लें, फिर से इसको फेंटें।
अंदर डालेंगे हम बेकिंग सोडा आधा स्पून, क्योंकि ये एक्टिव होता रहेगा, एक 5 मिनट रख देंगे बाजू में हम। अब डालेंगे हम बेकिंग पाउडर, अब डालेंगे थोड़ा सा एक चुटकी सॉल्ट, इसको मिक्स करके साइड में रख देंगे। अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स बनाएंगे, ये एक्टिव होगा तभी यूज करेंगे हम, यानी कि एक 4 मिनट साइड में रख देंगे इसको हिला करके ऐसे। अभी क्या करेंगे, एक बाउल में हम, सूखा बाउल है ये, अभी इसके अंदर हम हमारी छन्नी रख दिए हैं। अभी हम छन्नी में डालेंगे हमारा मैदा, 200 ग्राम मैदा लेके हूँ। तो अब हम इसको छान लें अच्छी तरह से ऐसे, कभी भी ये स्किप ना करें, ये छान कर ही डालें, सिप करना जरूरी है। अभी हम इसमें डालेंगे सोजी, 1/4 कप सोजी लेके हूँ मैं, मीडियम से इसका 1/4 कप सोजी है। अभी हम इसको हिलाएंगे, थोड़ा सा अच्छा सा मिक्स कर लें। ये मिक्स करना जरूरी है। दोस्तों एक्टिव हो गया है, ये देखिए फ्लफी है, ज्यादा छेड़ेंगे नहीं इसको, आराम से इसका हम इससे काम ले लेंगे ऐसे। ये देखिए इसके अंदर हम डालते रहेंगे थोड़ा थोड़ा सा करके हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स, थोड़ा थोड़ा ज्यादा नहीं ऐसे डालें, ऐसे थोड़ा अपना ऐसे है प्यार से। कुछ भी करें दोस्तों, काम आप प्यार से कर लें, पूरा काम बन जाएगा। ये भी ऐसे ही है। अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, भी डालेंगे थोड़ा सा हमारा मैदा और सूजी का मिक्सचर, फिर से हम इसको प्यार से हिला लेंगे। ज्यादा इसके ऊपर जोर नहीं डालें, फिर से थोड़ा सा ऑयल, आप चाहे तो ऑयल के बदल में बटर यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यूज नहीं करूंगी, थोड़ा हेल्थी ही बनाती हूँ हर चीज। कभी कभार खाने के लिए बटर यूज कर लें कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो हमेशा हेल्थ का ज्यादा ख्याल रखती हूँ दोस्तों। अभी ये थोड़ा सा घट हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके अंदर सोजी मिक्स हुई है इसीलिए। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा दूध भी डाल लेंगे बीच में, ज्यादा नहीं, 1-2 स्पून ऐसे करके डालें, ऐसे हिलाते रहें। आपको ऐसे लगता है कि थोड़ा फीका हो रहा है, तभी इसी वक्त हम थोड़े शक्कर डालेंगे, बाद में नहीं पड़ सकती। अगर जब चांस फीका हो गया है तो कोई बात नहीं, इसके ऊपर शक्कर जो हम बनाकर है शक्कर का पाउडर, वही थोड़ा सा ऐसे छन्नी कर लें तो भी स्वीटनेस आ जाएगा। जो हमारा बचा था आटा, हम वो भी डालेंगे, हमारा मैदा। अभी इसके अंदर हम डालेंगे एसेंस और थोड़ा दूध डालेंगे। अभी डालेंगे हमारा एसेंस, ये देखिए वेनिला एसेंस 1/2 स्पून। अभी डालेंगे हम पाइनएप्पल एसेंस 1/2 स्पून। अभी डालेंगे हम कलर हमारा, मैं येलो पसंद करती हूँ इसीलिए येलो डाल रही हूँ, येलो कलर ड्राई फ्रूट के लिए अच्छा लगेगा, इसीलिए आप जितना चाहे इतना डालें, मैं 2 ड्रॉप डालें बस, ज़्यादा नहीं। देखिए स्ट्रांग है कलर, इसलिए 2 ड्रॉप डाल लें। वाह फ्लेवर तो बड़ा मस्त आ रहा है दोस्तों, फ्लेवर कलर ये मिलकर इतना अच्छा लग रहा है कि अभी बन जाए अभी खा लें।
ऐसे लग रहा है। देखिए ऐसे ही एक ही पोजीशन पे ऐसे मिक्स करना है, ऐसे 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 नहीं जाना वापस, ऐसे ही एक ही पोजीशन पे ये ऐसे मिक्स करना है ऐसे। ठीक है, अभी थोड़ा सा ये देखिए, ये देखिए ये कंसिस्टेंसी शायद ठीक है। अभी मैं इसके अंदर ड्राई फ्रूट डालूंगी, ड्राई फ्रूट में भी वैसे भी हमारा ऑरेंज जूस है वो भी मिक्स हो जाएगा। अभी ड्राई फ्रूट डाल दी मैंने, जो हम ऑरेंज जूस में मिलाकर रखे थे वही ड्राई फ्रूट, और ये भी थोड़े डाल दूंगी मैं टूटी फ्रूटी। इसमें टूटी फ्रूटी बड़ी अच्छी लगती है, ये थोड़े रख रही हूँ ऊपर डालने के लिए बाद में। आपको एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट बताऊंगी, वो देखिए ये है वेनेगर, व्हाइट वेनेगर, ये 2 स्पून ले लें, अभी डाल दें वेनेगर ऐसा। अब लेट नहीं करना है, जल्द जल्दी करके उसको बेकिंग पैन में डाल के जल्दी रख देना है। वैसे भी प्रीहीट हो गया है हमारा कुकर, हमारा कुकर कह रहा है कि केक लाओ मेरे पेट में रख दो। तो अब हम क्या करेंगे, कुकर खोलेंगे, उसके पेट में केक को समा देंगे। ठीक है, बेकिंग पैन हमारा तैयार हुआ है, अभी हम इसको क्या कर देंगे, ये ऐसे कर लें, इसके अंदर हम पूरा हमारा बैटर डालकर रख देंगे। देखिए ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल राइट है, इसके अंदर सोजी है ना, इसीलिए, नहीं तो और थोड़ा सा घट होते तो भी कोई बात नहीं था। अभी सोजी है इसके अंदर तो फ्लोइंग कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है, नहीं तो ड्रॉपिंग होगी तो भी कोई बात नहीं। उसके अंदर बराबर से घी डालना है, बटर मैंने मस्का नहीं डाली, बटर नहीं डाल के हूँ। अभी देखिए हमें जो बनाकर रखे थे हमारा टूटी फ्रूटी वो डाल रही हूँ, अभी जो मैदा लगा के रखे थे वही डाल रही हूँ। अभी इसके ऊपर डालेंगे हम काजू, काजू ऐसी ना डालें अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा सा ऐसा उल्टा करके डालें। देखिए दोस्तों इसको अब हम टैप कर देंगे, थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर देंगे। अभी ऐसे भी कर सकते हैं, ये देखिए जो हम काजू डालें उसको ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा सा ऐसा प्रेस कर लें, क्योंकि उठकर खड़ा नहीं होगा वो, आराम से सोता रहेगा और बेक हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, बहुत हीट है हमारा कुकर, हमारा बेकिंग देखिए फुल हीट है, इसीलिए हम ग्लोव्स पहन के हूँ मैं। कभी भी आप भी ग्लोव्स पहन कर ही इस्तेमाल करें, इसको ऐसे आहिस्ते से ऐसे रख दें। ये देखिए इधर लाओ ना थोड़ा कैमरा, ये देखिए अभी हम मैं क्या करूँगी, इसको ये फुल हीट है इसीलिए इसको 5 मिनट के लिए मैं स्लो कर दूंगी, फिर 10 मिनट के लिए बढ़ा दूंगी, फिर 2 मिनट के लिए स्लो करूंगी, फिर 10 मिनट के लिए बढ़ाऊंगी, यानी कि 25 मिनट में हमारी केक तैयार हो जाएगी। मैं बताऊंगी बीच में एक बार खोल कर करेंगे हम। देखिए इसको गैस्केट नहीं डालती हूँ, रबर इसका नहीं है, ये मेरा पुराना कुकर है, सिर्फ इसी काम के लिए मेरा आता है, मेरा फेवरेट कुकर है, कुछ भी बोलो दोस्तों मेरा फेवरेट कुकर है, क्योंकि मुझको बहुत साथ देता है ये केक बनाने के लिए दोस्तों, इसीलिए कह रही हूँ। देखिए दोस्तों अभी चेक करेंगे, अभी देखिए ये थोड़ा लग रहा है, यानी कि अभी ये कच्ची है, अभी ये हम 5 मिनट इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अभी हमारे 20 मिनट हो गए हैं, अभी चेक कर लेंगे पूरी तरह से पक गई है। देखिए देखिए आही से इसको ऊपर से निकाल लेंगे हम, गुड अभी आ गई है हमारे यहाँ। देखिए देखिए स्मूथनेस सॉफ्टनेस देखिए, अभी गर्म है, इसको हम कुछ करेंगे नहीं, बस इसको ढककर पाक किचन टॉवल से हम एक 5 मिनट्स के लिए रख देंगे, बाद में इसको निकालेंगे।
देखिए दोस्तों तैयार हो गई है अभी, आराम से ओपन कर लें ऐसे। देखिए गुड नाइस, वेरी नाइस। देखिए ब्राउनिश क्यों कर है साइड में, साइड से देखिए ब्राउनिश बहुत लजीज होएगी। शायद इसको टेस्ट करना ही पड़ेगा मुझको। हाँ देखिए कितने आराम से निकल गई। देखिए दोस्तों मैं जैसे बताई रेसिपी वैसे फॉलो करेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही बनेगी आपकी भी। देखिए दोस्तों कितने अच्छे बटर पेपर कितने आराम से निकल रहा है, इसका मतलब ये पककर तैयार है। सॉफ्ट स्मूथनेस, देखिए अभी बताऊंगी कितनी सॉफ्ट स्मूथ बनकर तैयार हुई है। इसीलिए कहती हूँ मेरे वीडियो को एंड तक देखते रहें, आपको बहुत सारे ढेर सारे टिप्स मिल जाएंगे। देखिए घर में आराम से सिर्फ एक 20 या 25 मिनट में तैयार हो जाएगी। बस मैं जितने बताई इतने इंग्रेडिएंट्स रख लीजिए और ओवन पे बना लें कोई बात नहीं। 180 डिग्री पे ऑन करके प्री हीट कर लें। प्री हीट मस्ट, प्री हीट बहुत ज़रूरी है। और कुकर, हमें कुकर में बनाना है कढ़ाई में बनाना है तो उसी को भी प्री हीट कर लें। ये देखिए कितनी अच्छी तैयार हुई है घर में बैठे बिठाए। बस हाइजीन इतनी अच्छी, इतनी मज़ेदार, लजीज। नए साल में ऐसे बना के खाएं, मज़ा मज़ा आ जाएगा। पूरा साल खाते रहें, सिर्फ नया साल आज है आज ही बनाकर खाएं ऐसी बात नहीं है। कौन सा भी फंक्शन हो आपके यहाँ, कौन सा भी आपके ये प्रिसिप्शन हो, कुछ भी हो जाए दोस्तों, बस खुशी का एक मौका ढूंढते रहें और ये बनाकर खाते रहें। दोस्तों मेरे वीडियो को एंड तक देखते रहें, इसीलिए कहती हूँ मैं अभी ये काट के दिखाऊंगी कि कैसे लग रही है, ये अंदर कैसे पककर है। देखिए दोस्तों स्मूथनेस, देखिए उसकी स्मूथनेस, देखिए ये, देखिए देखिए ड्राई फ्रूट रेजन्स, देखिए ब्लैक रेजन्स, ये देखिए, वाव सो नाइस ब्यूटीफुल। दोस्तों मेरा मन ऐसा कह रहा है कि मैं आपको फोन के जरिए दाल ही दूं मुंह के अंदर, ऐसे लग रहा है, मेरा तो जी ऐसा मचल रहा है। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। आप नए हैं तो बिल्कुल मत भूलिए कि सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे वीडियोस एक के बाद एक रेसिपी नई नई आते रहेगी, आपको मिलती रहेगी फ्री में देखने को। कौन सी भी चीज़ आर्टिफिशियल बिल्कुल भी नहीं डालती, कभी कभार डालूंगी तो एक बूंद कलर डालूंगी बस, ये कलर आने के लिए बस इतना ही। इसीलिए कहती हूँ हेल्थी रहें, स्टे हेल्थी, हमारे हिंदुस्तान को हेल्थी बनाएं, हेल्थी खाएं, हेल्थी रहें, हमेशा मेरे वीडियो को लाइक करते रहें। ममताज के संग हंसते हैं तो घर बसते हैं। दोस्तों ये देखिए, ये जैसे हमारी केक हमारी प्लेट में भरकर है, वैसे ही आपके खुशियाँ भी भरी भरी हरे, हमेशा मीठी मीठी रहें। तो हैप्पी न्यू ईयर, हमेशा खुश रहें, स्टे हेल्थी।